नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि एरो इंजन या किसी भी गैस टरबाइन इंजन को बनाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। यही कारण है कि आज दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जिनके पास इंजन बनाने की कंप्लीट टेक्नोलॉजी है। इंजन और उसमें इस्तेमाल होने वाले बड़े बड़े और छोटे कंपोनेंट्स का डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल भी होता है, क्योंकि उन्हें हाई टेम्परेचर और प्रेशर को झेलना होता है। साथ में इनके फेलियर के चांसेस भी काफ़ी कम होने चाहिए। इंडिया ने कावेरी और काबिनी इंजन्स को बनाया, लेकिन अभी तक हमारे फाइटर जेट्स के लिए कोई भी एक प्रॉपर जेट इंजन को हम डेवलप नहीं कर पाए हैं। लेकिन भारत इंजन के डेवलपमेंट में काफ़ी कुछ कर रहा है और हम एरो इंजन से जुड़ी एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे DRDO के DMRL लैब ने डेवलप किया है। आपने जगुआर फाइटर जेट का नाम तो सुना होगा। जगुआर लैंड अटैक, क्लोज एयर सपोर्ट और इवन न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम है। इंडियन एयरफोर्स इसके 6 स्क्वाड्रन को ऑपरेट करता है। जगुआर फाइटर जेट में 2 अडोर MK811 इंजन्स का इस्तेमाल होता है। ये इंजन्स HAL के द्वारा लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं और इसका OEM रॉल्स रॉयल्स टर्बोमेका के पास है। इस इंजन में यूज होने वाले HPC ड्रम असेंबली को पर्टिकुलर नंबर के ऑपरेशन के बाद या फिर डैमेज हो जाने के बाद रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब इसे रिप्लेस करना पड़ता है। HPC ड्रम असेंबली की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके कारण इसे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि इसके ओवरऑल कॉस्ट को घटाकर कम किया जा सके। डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी DMRL, जो कि DRDO का ही हिस्सा है, उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है जिसकी मदद से HPC ड्रम असेंबली को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है भारत में ही। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या खास बात है इस मैन्युफैक्चरिंग में, तो देखिए, HPC ड्रम एक हाईली स्ट्रेस सब असेंबली है जिसे हाई टेम्परेचर पे बिना मेल्ट या क्रैक या डिफॉर्म हुए परफॉर्म करना होता है। यही कारण है कि HPC ड्रम के लिए रॉ मटेरियल और फोर्जिंग हाई क्वालिटी का होना चाहिए और इन्हें एक स्पेसिफिक स्टैटिक और डायनेमिक मैकेनिकल प्रॉपर्टी को मीट करना होता है। HPC ड्रम असेंबली हाई टेम्परेचर टाइटेनियम एलॉय के बने होते हैं। टाइटेनियम एलॉय एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एलॉय होता है, क्योंकि इसे इंजन के हाई टेम्परेचर और प्रेशर को झेलना होता है। चूँकि टाइटेनियम अलॉय काफ़ी स्ट्रॉन्ग अलॉय होते हैं और इन्हें डिफॉर्म करना यानी इनके शेप को बदलना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, इसीलिए इनके फोर्जिंग के लिए एक स्पेशल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जो कि अभी गिने चुने कंट्रीज के पास है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है आइसोथर्मल फोर्जिंग टेक्नोलॉजी। इसी के साथ इस टेक्नोलॉजी की मदद से एरो इंजन के अदर पार्ट्स, जैसे कि गैस टरबाइन इंजन कंप्रेसर डिस्क, ब्लेड्स, कनेक्टर रिंग्स, शाफ्ट्स या ब्लिस का भी मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है। DMRL ने इसी आइसोथर्मल फोर्जिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। इसके लिए DMRL ने 2000 मेगाटन का एक फोर्जिंग प्रेस बनाया है, जिसकी मदद से टाइटेनियम एलॉय का फोर्जिंग किया जा सकता है। ये एक जेनरिक टेक्नोलॉजी होने वाली है। इसका फायदा ये होगा कि इंजन की किसी भी टाइटेनियम एलॉय कंपोनेंट को आइसोथर्मल फोर्जिंग टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जा सकेगा। DMRL द्वारा इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इंजन के लिए जो कंप्रेसर डिस्क प्रोड्यूस किए गए हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं। HAL और इंडियन एयरफोर्स ने इंजन के लिए प्रोड्यूस होने वाले टाइटेनियम एलॉय कंपोनेंट्स का एग्जॉस्टिव टेस्टिंग भी कर चुकी है और इन कंपोनेंट्स को जगुआर और हॉक आई जेट्स के इंजन में यूज़ करने के लिए क्लियरेंस भी दे दिया गया है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कारण ज़रूर बताएं, ताकि अगली बार हम वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद की सेना।